हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये HTML की वीडियो है आज की। और HTML में ये कोड मैंने लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए आप, डॉक टाइप से शुरू किया है मैंने और इसमें CSS को भी इंक्लूड किया है। और ये कोड कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने और ये चेकबॉक्स मैंने बनाया है। इस कोड को आप देख सकते हैं, इसमें CSS भी मैंने यूज़ किया जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। और ये चेकबॉक्स हमने बनाया है और अगर हम इसको सेव करते हैं, पहले एक बार सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये सेव कर दिया है मैंने, चेक के नाम से सेव किया, check.html से इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो इसको डबल क्लिक किया हमने और जैसे ही डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे जावा लिखा हुआ है और इस पर टिक है। अगर हम जावा पढ़ रहे हैं तो जावा, हम तो पाइथन भी पढ़ रहे हैं तो पाइथन पे भी टिक कर दिया, और SQL भी पढ़ रहे हैं और ओरेकल भी पढ़ रहे हैं, तो चारों पे हमने टिक कर दिया। और ये टिक करने पे देख रहे हैं ये चौकोर सा थोड़ा बड़ा बॉक्स बन रहा है और यहाँ पर ये ब्लू कलर में ये इस तरीके से लगा हुआ है। तो इस तरीके का अगर आपको चेकबॉक्स बनाना हो तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं यूजिंग CSS। अच्छा, यहाँ पर ले जाने पर ये देखिए यहाँ पर एक शेडो सी बन रही है, तो ये CSS का कमाल है, ठीक है। तो आप चारों पर टिक कर सकते हैं एज योर विश, ठीक है।